हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हम कभी ऐसे सवालों में नहीं उलझे कि हमें रेलवे का विकास करना है या सड़क परिवहन का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस आइसोलेटेड व्यू से देश को भारी नुकसान उठाना पड़ा। इससे सप्लाई चेन पर असर पड़ा और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ गया। साथियों, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है, उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी। एक तरफ हम विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को संवार रहे हैं, तो दूसरी तरफ फिशिंग हार्बर को अत्याधुनिक बना रहे हैं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गतिशक्ति प्लान से ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। मुझे मालूम है कि इन परियोजनाओं का आंध्र के लोगों को लंबे समय से इंतजार था, और आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है, तो आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार के साथ विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ेंगे।